सोशल मीडिया पर आप सभी के चहेते, हाँ कुछ को नाराजगी हो सकती है, कुछ को कहते हैं ना जिसको शुगर होती है उस रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है। सादर जयंत, आज की शुरुआत करते हैं आपके पास सुबह सुबह 8 बजे आपके पास कुछ सोच के साथ। 24 जुलाई की घटना के बारे में आज 1 महीने 1 दिन 32 दिन बाद आपको बता रहे हैं। आप सोच सकते हैं तब कपड़ा शोरूम में आग लग गई थी, लेकिन अब उसके चक्कर में उसमें बुजुर्ग 70 साल के देवेंद्र जैन जी, उनकी पत्नी 65 साल की सुलोचना जैन जी की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। फायर ब्रिगेड भी उनको बचा नहीं पाई थी, रास्ता नहीं ढूंढ पाई थी और वह नीचे नहीं आ पाए और कहते हैं तड़पते तड़पते जान चली गई थी। लेकिन अब उसके चक्कर में 32 दिन बाद उनके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोच सकते हैं कि भतीजा मनोज जैन ऐसा कुछ कर सकता है क्या? विश्वास नहीं होता ऐसा हो सकता है। कोतवाली की रिपोर्ट दर्ज थी, अब उनके 3 बेटियों ने आकर बताया कारण क्या था। भतीजा अपनी पत्नी बच्चों के साथ तो वापिस आ गया, लेकिन बुजुर्ग उनको छोड़ आया। आप कह सकते हैं चाचा चाची को विश्वास नहीं होता इस बात पर, लेकिन जब 3 बेटियों ने शिकायत की तब वहां पर से उतरने का दूसरा रास्ता भी था जो कि उसको जानता था, लेकिन जब फायर ब्रिगेड वाले और बचाने वाले आए तब उसने उनको बताया नहीं कि दूसरा रास्ता भी है यहां से जाने का। ये रास्ते में तो आग लग गई है, यहां से जाना संभव नहीं है, उनका बचना मुश्किल है, तो दूसरे रास्ते जहां से वो उतरा था बता दे, लेकिन उसने जानबूझकर क्यों नहीं बताया। आज सवाल बहुत बड़ा यही उठ रहा है कि अपने रिश्तेदारों को क्या जानबूझकर उसने उस आग में झोंक दिया था कि दम घुट के मर जाए, या जब बचाने वाले फायर वो नहीं है तो फायर ब्रिगेड बचाने आए हैं और लोग बचाने हैं, क्या उनको बताना उसका कर्तव्य नहीं बनता था। अब जाकर पुलिस ने 2 दिन पहले उस मनोज जैन को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। जब उनकी 3 बेटियों यहां पर आई, जब उसके बाद घटना के बाद, तो उन्होंने बताया कि वहां पर जाने का दूसरा रास्ता भी है। जब पुलिस ने कहा तुम्हें मालूम है क्या, तब उसने नहीं ये सबको मालूम है। पुलिस ने बताया हमने इनसे पूछा था, उनके भतीजे मनोज जैन से, तो लड़कियों ने बताया कि बेटियों ने, हाँ इनको भी मालूम है। पहले नहीं माना लेकिन दूसरी बार में एक बार में स्वीकार कर लिया, लेकिन यह समझ नहीं आया कि एक बुजुर्ग दंपत्ति को जान की उन पर खेलने के लिए क्या भतीजा ऐसा कर सकता है। सवाल अनुत्तरित है, पुलिस अभी तक इसके बारे में पता नहीं लग पाई। क्या लालच था उस भतीजे का कि वह दोनों उस आग के अंदर जो कपड़े की दुकान में नीचे शोरूम में लगी थी उस आग में झोंक दिए जाए। खुद परिवार से बच के आ गया, लेकिन जब बचाने के लिए ना खुद उनको लाया और ना, क्योंकि उस समय काफी समय बचा था, यह पुलिस का कहना है। क्या ऐसा कोई जैन भतीजा हो सकता है? क्यों भी चाचा क्यों भी भतीजा, सुने तो बहुत है आपने कहानी, लेकिन चाचा भतीजा को साथ साथ सुनाए, पर यहां भतीजा चाचा का चाची का दुश्मन बन जाए, ऐसा जैन किस्सा शायद पहली बार मिला है। अब ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये पहचान रहे हैं क्या है? जी हाँ, AGM इंजीनियरिंग कॉलेज। जी हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग, मत समझना इसको आप। जी हाँ, AGM आचार्य गुणधर नंदी जी महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज। अभी चैनल मालस की टीम गई थी यहाँ पर, साथ में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मूपुरा जी, हमने एक प्रकार से ठान लिया है कि हर तीर्थ पर हमें सर्वेक्षण करने जाना है, वहाँ क्या खास बातें हैं, क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है। इस तरह चैनल मालस की टीम तीर्थ क्षेत्र कमेटी जम्मूपुरा से हर तीर्थ पर जाने की कोशिश कर रही है और लगभग हम 30-35 तीर्थ अभी तक कवर कर चुके हैं। यहाँ पर गए थे तो आचार्य गुरुधर जी ने हमें अब उस तीर्थ में गजब का बना है, आपको बता दें, वरूर के अंदर नवग्रह तीर्थ। आचार्य जी ने हमें अपने साथ यहाँ के अपने विभिन्न जो शिक्षा संस्थान हैं उनकी जानकारी कराई, इन्हीं का ही इंजीनियरिंग कॉलेज है। क्यों दिखा रहे हैं बताएंगे, आपको हैरान हो जाएंगे जब बात आगे सुनेंगे आप। 2000 बच्चे इस इनके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते, उन्होंने एक ही दिखाया, छुट्टी का दिन था, संडे था, इसलिए आपको कॉलेज में देखने 2000 बच्चे पढ़ते इंजीनियरिंग कॉलेज में। यहाँ पर विभिन्न संस्थानों में 8000 बच्चों को शिक्षा दी जाती है, गजब की बात है। जब हम अपने मंदिर के साथ ऐसे शिक्षा बनाते हैं तो कहते हैं वह अपने जैन बच्चे नहीं, अधिकांश अजैन पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा के कारण वह सब नमोकार बोलते हैं। गजब की बात है ना कोई संस्कार तो आता ही है, जैसे ही आते हैं आचार्य जी सब नमोस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं, बहुत गजब की बात है, संस्कार ऐसे पढ़ते जाते हैं। पर हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर सरकारी जो फीस है ना उससे भी कम फीस मिलती है, इसलिए हमेशा हाउसफुल रहता है और आज अपने पैरों पर खुद खड़ा है ये तीर्थ। गजब के दर्शन थे हमने किए, पर क्यों दिखाया आपको, बात तो वहीं अटक गई, नहीं अटकी नहीं है, शुरू हुई है। ये कर्नाटक का रिजल्ट आया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, जिसके टॉप रैंक देख रहे हैं, ऊपर नाम पढ़ लो जरा भी है, क्योंकि पहली बार आपने सुना है जैन बच्चों ने टॉप किया, सुना आपने, लेकिन कभी जैन तीर्थ पर बने शिक्षा संस्थान से किसी ने पूरे राज्य में टॉप किया हुआ है ऐसा आपने आज तक नहीं सुना हुआ।
150 यूनिवर्सिटी हैं इंजीनियर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर कर्नाटक के अंदर 150 कॉलेज हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, जिसमें 1.5 लाख से लगभग बच्चे होते हैं। उन 1.5 लाख बच्चों में अगर टॉप किया तो इस कॉलेज के बच्चे ने किया, इस कॉलेज की बच्ची ने किया। आपको वह दिखा देते हैं नाम के साथ, फक्र होगा, सबसे टॉप करने वाली यहाँ पढ़ती है, गोल्ड मेडल के रैंक में एक और बिटिया भी है। दोनों के चित्र देख रहे हैं, हम नहीं कह रहे जैन है, पर यहीं से संस्कार लेके पहली बार ऐसा है कि किसी जैन तीर्थ से जो AGM इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पूरे कर्नाटक राज्य में टॉप किया है, वह फोटो आप ये देख रहे हैं, 2 दिन पहले के खबर चित्र हैं। समझ रहे हैं आप, जब जब धरा खुदती है, पानी से कोई तीर्थ की मूर्ति निकलती है, तो पता चलता है वह तीर्थंकर प्रतिमा ही है, इसका विरोध या इसके अलग अतिशोक्ति नहीं मिलती है। देख रहे हैं आप, ये पद्मासन रूप में आकर्षक बादामी रंग की यह तीर्थंकर प्रतिमा पान रोमल के पास से अशोक सर्वाराम पवार के घर में खुदाई करते हुए लगभग 5-6 फीट खुदाई की थी। देख रहे हैं आपने, खुदाई करते हुए यह प्रतिमा निकली है। ध्यान से देखिए इसे, इसका दाएं हाथ का अंगूठा जो हाथ का है खंडित है, नाक थोड़ी खंडित है। इससे लग रहा है कि उस समय आतताइयों ने कभी मूर्ति भंजकाए होंगे, इसको तब दबाया गया होगा और आज यह प्रतिमा उसके बाद निकल आई। 1000 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा लगती है ये, कहते हैं शाहबागा के मंदिर में इसको स्थापित कर दिया जाएगा। बहुत आकर्षक मुद्रा में मुस्कान के साथ ये प्रतिमा है और बता रही है इतनी प्राचीनता हमारी संस्कृति, कितनी विरासत मजबूत थी। जब खुदाई में जब ऐसी प्रतियां मिलती हैं तो लगता है कि कहां कहां पर आज जैन घर नहीं मिलता है, वहां पर जैन बस्तियां बसा करती थी। अब ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको सीधा नैनागिरी रेसंदगिरी से, समझ जानते ना, वरदताती मुनिराजों की मोक्षस्थली है। अरे 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का संबोषण भी आया था इस रेशनगिरी, इसको नैनागिरी कहते हैं। यहाँ पर अभी हाल में निर्वाण रूप पारसनाथ कार्यक्रम हुआ, वृक्षारोपण हुआ और कार्यक्रम हुए, पर इसमें औरों की तरह खास बात क्या थी, जो हम आपसे बार बार कहते हैं, अपने तीर्थों पर अजैन जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों को जरूर लाइए, अपनी संस्कृति से, अपनी मर्यादाओं से, अपनी विश्व जो आपकी विरासतें हैं, अपने तीर्थ हैं, उनसे रूबरू कराने के लिए, समझ सकें वो कि क्या फ़र्क है हमारे मंदिरों में, हमारी मूर्तियों में, हमारी संस्कृति में, हमारी विरासत में, पहचान पाएंगे इसकी प्राचीनता के बारे में। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के एक प्रमुख वकील आए थे, यहाँ के विधायक आए थे, MP के पूर्व वित्त मंत्री आए थे और अन्य लोग भी आए थे, सारे विशेष लोग थे जिन्होंने यहाँ पर आके नैनागिरी आके अवलोकन किया, वृक्षारोपण कार्यक्रम में लिया और शपथ समारोह आदि कार्यक्रम में लिया। हमेशा अपने तीर्थों पर अपने आने के क्षेत्र के विधायक को, MLA को कह सकते हो, निगम के पार्षद को कह सकते हो, आप सांसद को कह सकते हो, वहाँ के मंत्री को कह सकते हैं, आप IAS IPS को कह सकते हैं, आप वहाँ के कोर्ट के वकीलों को, जजों को भी आमंत्रित करिए, अपने तीर्थों का अवलोकन कराइए। कभी ना कभी उनकी ज़रूरत के समय वो याद रखेंगे, हाँ इस तीर्थ पर मैं गया था, ये जैन तीर्थ है, बदला जा रहा है, बदमाशी की जा रही है, वह आपका सहयोग दे पाएंगे। इसलिए आज आपको ये नैनागिरी रेशनगिरी तीर्थ के दर्शन उनके साथ दिखा रहे हैं। और अब दिल्ली के ऋषभ विहार में गणनियारी का आशमती माती के सानिध्य में 5 सितंबर को 48 पालिका के साथ एक जो पालकी होंगी उनका शोभा यात्रा निकलने वाली है, उस पर एक सूचना जरा सुनिए जरा। श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार दिल्ली में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की अंतिम दीक्षित शिष्या परम पूज्या युवा प्रणेता वात्सल्यमयी वंदनीय गरणीयारिका श्री 105 आर्षमती माताजी ससंग के पावन सानिध्य में 48 दिवसीय श्री भक्तामर विधान के समापन पर प्रथम बार 48 काव्यों की 48 पालकियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा गुरुवार 5 सितंबर 2024 प्रातः 8 बजे से। जी हाँ, कार्यक्रम के पश्चात वात्सल्य भोज की समुचित व्यवस्था श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा की गई है। दिन पहले के दृश्य आपको इंदौर के महता भवन से दिखा रहे हैं, मुनिषी संधान सागर जी का खेसरो दिखा रहे हैं। एक तो देखिए स्पीड जरा, जैसे घास भी किसान इतनी जल्दी अपने खेत से नहीं निकालता हो, जैसे वो सर से अपने बालों को काट रहे हैं। और दूसरी एक और बात, 16 कारण व्रत रख रहे हैं, यानी एक दिन आहार एक दिन उपवास। चतुर्थी को उन्होंने उपवास किया 16 करण का, और पंचमी को रंग पंचमी थी, उस दिन फिर ये केशलोचन किया। जब केशलोचन करते हैं तो मालूम है ना, दिगंबर संत उस दिन उपवास करते हैं।
उपवास पर उपवास, डबल उपवास हो गया। और तब भी देखिए कोई शिकर नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। अरे किसान भी घास निकालते निकालते ऐसे उसके हाथ जलते होंगे, एक बार बाल को खींच कर देखिएगा, बाल तो निकलेगा नहीं, हाथ छिल जाएगा। और ये देखिए कैसे निकालते हैं दिगंबर संत, गजब की ये होती है परीक्षा को जीतने की, अंदर के उपसर को, अपने कष्ट को जीतने की सबसे पहली परीक्षा और सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा हो जाती है। कभी कोशिश कीजिएगा, मत कीजिएगा, परेशान हो जाएंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसी जानकारियों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।